हेलो दोस्तों, मैं अदिति अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज की कहानी मुझे कोटा राजस्थान से अभय शर्मा जी ने भेजी है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, अगर आप भी मुझे अपनी कुछ कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी अदिति की वाणी में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल के द्वारा भी अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रमेश और अनुराग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक ही कंपनी में एक साथ काम करते हैं। रमेश का घर शहर में ही है और अनुराग एक छोटे से गांव का रहने वाला है। जब कभी ऑफिस की छुट्टी होती है तो वो अपने गांव चला जाता है, जहां उसके बूढ़े माँ बाप और एक बड़ा भाई रहता है जो खेती करता है। अभी हाल ही में अनुराग के भाई की शादी तय हो गई है तो वो रमेश को इसके बारे में बताता है और कहता है कि उसे उसके साथ गांव चलना होगा भाई की शादी में। रमेश के ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण वो मना करता है, पर अनुराग नहीं मानता तो रमेश अनुराग से कहता है कि ठीक है, तुम चले जाओ, मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगा। तुम अपने गांव का पता दे दो। अनुराग गांव का पता देकर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद रमेश भी गांव के लिए निकलता है। वो बस स्टॉप पर पहुंचकर गांव के लिए बस में बैठ जाता है, लेकिन रास्ते में ही बस खराब हो जाती है, जिसके कारण गांव पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाती है। इधर अनुराग भी उसको बहुत बार कॉल करता है, पर कॉल ही नहीं लग रहा था। अनुराग का दोस्त भी बस स्टॉप पर उसका बहुत इंतजार करके घर चला जाता है, यह सोचकर कि शायद रमेश को कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसीलिए वो नहीं आ पाया होगा। रमेश बहुत रात में पहुंचता है और उसे गांव का रास्ता भी नहीं पता होता है, तो वो बस स्टॉप पर ही चाय वाले से पूछता है कि यहाँ से गांव कितनी दूर है। चाय वाला बताता है कि गांव का रास्ता कच्चा है, वहां जाने में 3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन इस समय तुम्हें कोई साधन नहीं मिलेगा। रमेश कुछ सोचकर इधर उधर देखता है कि शायद उसे कोई मिल जाए। फिर वह थोड़ी दूर ऐसे ही चलता है, तभी उसकी नजर एक ट्रैक्टर वाले पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर गांव के बारे में पूछता है और वो उसे गांव में छोड़ने की बात करता है। ट्रैक्टर वाला उसे गांव में ले चलने के लिए तैयार हो जाता है। रमेश खुश होकर बैठ जाता है। ट्रैक्टर कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ चलता है। रमेश ट्रैक्टर वाले से अच्छे से बात कर रहा है और वो भी रमेश से अच्छे से बात कर रहा है। तभी वो देखता है कि ट्रैक्टर की कोई लाइट नहीं जल रही है, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। हवा की तेज सरसराती हुई आवाज उसे छू के निकलती है तो रमेश को डर सा लगता है। वो ट्रैक्टर वाले से पूछता है कि ट्रैक्टर की कोई लाइट क्यों नहीं जल रही है। वो कहता है, मुझे पसंद नहीं है। रमेश को ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है। रमेश उसकी तरफ देख रहा है, वो भी रमेश की तरफ देखकर बड़ी बड़ी आंखें निकालकर हंसने लगता है। रमेश एकदम से कपकपा उठता है। तभी उसकी नजर ट्रैक्टर चलाने वाले के हाथों पर जाती है। उसके हाथ थे ही नहीं, ट्रैक्टर ऐसे ही चल रहा है। रमेश डर की वजह से चिल्लाता है, तभी एकाएक ट्रैक्टर रुक जाता है और वो आदमी गायब हो जाता है। रमेश को एक पल के लिए चैन आता है और वो जल्दी ही संभल कर ट्रैक्टर से उतरता है और तेजी से आगे भागने लगता है। तभी उसके कानों में तेज तेज लोगों की आवाज आती है और उसे लगता है कि उसके साथ कई लोग भाग रहे हैं।
वो घबराकर तेजी से भागते भागते एक झोपड़ी के पास आकर गिर जाता है, जिसमें वो एक बूढ़ी औरत को किसी आदमी से बात करते देखता है। तो वो उसी की तरफ उठ के बढ़ता है, शायद कोई मदद मिल जाए। वो जाकर बूढ़ी औरत को मदद के लिए पुकारता है। बूढ़ी औरत जैसे ही रमेश की तरफ देखती है, रमेश उसको देखकर बुरी तरह डर जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और पसीने से पूरी तरह भीग जाता है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत से वही ट्रैक्टर वाला ही बैठकर बात कर रहा होता है। रमेश हिम्मत जुटाकर वहां से भागता है। वो बूढ़ी औरत और ट्रैक्टर वाला दोनों भी उसके पीछे भागने लगते हैं। वो भागते भागते खेतों में फंस जाता है और गिर जाता है। वो देखता है कि सामने से ट्रैक्टर वाला और वो बूढ़ी औरत ट्रैक्टर में बैठकर उसकी तरफ ही आ रही हैं। ट्रैक्टर तेजी से बढ़ता चला आ रहा है। रमेश की हिम्मत जवाब दे गई। वो डर के मारे चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो गांव के लोगों को अपने आसपास खड़ा पाता है। पर तब तक सुबह हो गई थी और वो खुद को खेत में पड़ा हुआ पाता है, और उसके सामने वही झोपड़ी है जो वो रात में देखता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि रात में उसके साथ क्या हुआ था। तब गांव के लोग उससे पूरी घटना पूछते हैं। रमेश उन लोगों को सारी चीजें बताता है कि उसके साथ रात में क्या क्या हुआ था। गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा थी जो तुम बच गए, वरना यहां से कोई जिंदा नहीं बच पाता। और जिस ट्रैक्टर वाले और बूढ़ी औरत की तुम बात कर रहे हो, वो तो बरसों पहले मर चुके हैं, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती है और लोगों को परेशान करके मार देती है। अब रमेश बिना अपने दोस्त के गांव जाए हुए वापस शहर लौट जाता है, यह सोचकर कि अब वो वापस यहाँ कभी नहीं आएगा।